रंगों से भरे होली के पावन त्योहार के ऊपर, होलिका दहन वाले दिन आज मैं आपको ढाक बंगाल की मोहिनी का एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ वशीकरण करने वाला मंत्र और उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आप एक दिन में ही सिद्ध कर सकते हैं। ऐसी वशीकरण करने वाली अद्भुत शक्ति की आपको प्राप्ति होगी होली के पावन दहन वाले दिन। तो क्या है इसकी संपूर्ण विधि, तो देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो देखो, होली का पावन त्योहार आने वाला है और होली का ये पावन त्योहार आपके जीवन में बहुत सी ढेर सी खुशियां लेकर आए, आपका जो जीवन है खुशी के रंगों से भर जाए। तो ऐसी कामना के साथ आज ये जो दिव्या साधना की मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, सर्वश्रेष्ठ ये साधना है माता मोहिनी की, ढाक बंगाल की मोहिनी। ऐसा शक्तिशाली प्रचंड ये शावर मंत्र है, तो एक दिन में ही ये सिद्ध हो जाएगा। और ये जो शावर मंत्र है इसको देखो, आप होली का दहन वाले दिन भी सिद्ध कर सकते हैं और जब चंद्र ग्रहण हो, कभी सूर्य ग्रहण हो या फिर दीपावली का दिन हो, तो उस दिन भी आप इसी मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। रुद्राक्ष की माला के द्वारा आपने इस मंत्र को सिद्ध करना है। होलिका दहन वाले दिन जब अग्नि चेतन होगी, होलिका दहन आप करेंगे, तो वहीं पर आपने इस मंत्र की साधना सिद्धि को करना है। तो एक दिन में आपको जो जो सिद्धि है किसी को वश में करने वाली, इसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। अगर एक व्यक्ति के लिए ही आप इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको अपनी आँखों में बसाने के बाद उसका नाम लेकर आप इस मंत्र का जाप करें और माता मोहिनी जी से बेनती करें कि मैं आपके इस मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, तो हमें इसकी शक्ति की प्राप्ति हो। देखो, एक दिन में ही आपको इस सिद्धि की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप रेगुलर इस मंत्र का आप जाप करते रहें। और जिस दिन आपने जाप करना है होली का दहन वाले दिन इस मंत्र का, किसी को वश में करने वाली ये जो सिद्धि है आपने प्राप्त करनी है, इसका जो लूफा है बिल्कुल सरल, 5 छोटी इलायची और 5 ही साबुत लौंग और 5 ही मीठे बतासे, जे बस केवल यही इसका भोग प्रसाद है। अपने इसको अपने सामने रखना है, इस लूफे को, इस भोग प्रसाद को, और उसके बाद आपने रुद्राक्ष की माला से जाप करना है। और जो भी आपके घर के इष्ट हैं, देवी देवता हैं, कुल देव है, कुल देवी है, उनका ध्यान धरें, उनसे आज्ञा ले लें। अगर आपने गुरु धारणा की हुई है तो अपने गुरुदेव जी से आज्ञा ले लें। तो उसके बाद आप इस मंत्र का जाप करें और साथ में कोई पानी का लोटा आप रख लें। आसन आपका कोई भी हो सकता है, किसी आसन के ऊपर बैठकर भी आप इस वशीकरण करने वाली ढाक बंगाल की मोहिनी का यह जो शावर मंत्र है इसका आप जाप कर सकते हैं। इसकी सिद्धि की आपको प्राप्ति हो जाएगी केवल एक ही दिन में। तो
अब आप इस मंत्र को नोट कर लें। पहले ओम गा गणपते का ध्यान करें, धरती माता का ध्यान करें। जैसे मैंने आपको बोला है कि कुल देव कुल देवी का ध्यान धरने के बाद फिर आपने इस मंत्र का जाप करना है। मोहिनी ढाक बंगाल की, चले पवन की चाल, नागे गुरु की मान आन को, वश में करे संसार, इल्म से बांधे कलाम से बांधे, मोहिनी अपनी चाल से बांधे, लूं जिसका मैं नाम, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, देखूं माता मोहिनी तेरे शब्द का तमाशा। तो ये छोटा सा शावर मंत्र है, इस शावर मंत्र का 108 बार आपने जाप करना है। और जाप करने के बाद फिर आपने जो वह पांच बतासे हैं, पांच लौंग हैं और पांच जो वह छोटी इलायची है, आपने इनकी आहुतियां डालते रहना है। आपने सभी की आहुति डालनी है, पांच बार आहुतियां डाल दें। इसी मंत्र का जाप करने के बाद पांच आहुतियां आपने, जो आपके सामने अग्नि चेतन है होलिका दहन वाले दिन, तो पांच आहुतियां उसी में आपने डाल देनी है। इसी मंत्र का जाप करने के बाद कि मोहिनी ढाक बंगाल की, चले पवन की चाल, नागे गुरु की मान आन को, वश में करे संसार, इस मंत्र को द्वारा से आप जाप करते रहें और पांच आहुतियां डालते रहें। एक एक बार मंत्र का जाप करें, एक एक आहुति उसमें डालते रहें। उसके बाद यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और उसके बाद आप रेगुलर इस मंत्र का जाप करते रहें, तब आपके साथ ये जो शक्ति है मोहिनी की चलनी शुरू हो जाएगी। और यह जो लुभा भोग प्रसाद है, पांच लौंग, पांच बतासे, पांच छोटी इलायची, अपने सर के ऊपर से उसके बाद सात बार क्लॉक वाइज माथे को लगाकर जिस व्यक्ति का आप नाम लेंगे, जिसको आप अपने वश में करना चाहेंगे, तो आप फिर से 108 बार इस मंत्र का जाप करें और इसको पीपल वृक्ष की जड़ में या आंकड़े के पौधे की जड़ में आप इसको रख सकते हैं, या फिर अग्नि में भी आप इसकी आहुतियां डाल सकते हैं इसी लुभे भोग प्रसाद की, तब भी माता मोहिनी की शक्ति आपके साथ चलना आरंभ हो जाएगी। और इस मंत्र को जब आप सिद्ध कर लेंगे तो इसके द्वारा कोई भी धागा, सूत्र, तावीज, यंत्र, वशीकरण, इतर हवन सामग्री कुछ भी आप सिद्ध कर सकते हैं, खुद के लिए और किसी को बनाकर भी आप दे सकते हैं। अगर आप किसी को अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं, प्रचंड शक्तिशाली वशीकरण होता है, जैसा भी वशीकरण चाहेंगे वैसा ही वशीकरण होगा, क्योंकि ढाक बंगाल की मोहिनी है, बंगाल का इल्म चलेगा इस मंत्र के द्वारा, इस शक्ति के द्वारा। तो अगर वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जो अपडेट है आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं, गुरु जी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन मन चाहा वशीकरण करवाने के लिए, आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरु जी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।